सभी का नमस्कार, हर हर महादेव। मिस्टर कौशल चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपको याद होगा मैंने हीरो एजेंसी के अंदर जो था पिछला वीडियो शूट किया था, जहां पर मैंने आपको बाइक को स्कैन करके दिखाया था। वहां पर एक लैपटॉप का इस्तेमाल किया था और विषय यूनिट का इस्तेमाल किया था और उस माल फंक्शन लाइट को लैपटॉप के द्वारा हटा के दिखाया था। लेकिन दोस्तों, जो हम जैसे छोटे मैकेनिक हैं, अब हर एक मैकेनिक ये तो है नहीं कि भाई वो लैपटॉप अपने दुकान पे खरीद कर लेगा। लैपटॉप खरीद लिया तो वीसीआई यूनिट कहां से लाएगा? चलो उसे मान लीजिए वो भी खरीद लिया, तो इतना बजट हमारे हिंदुस्तान के मैकेनिक के पास अवेलेबल नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर एक मैकेनिक जो है वो अच्छे घर से हो, अच्छे पैसे उसके पास हो, लेकिन मैंने देखा है कि ज्यादातर मैकेनिक जो है वो गरीब घर से होते हैं और हर एक बंदा लैपटॉप और वीसीआई यूनिट नहीं खरीद पाएगा। मान लीजिए आप एक मैकेनिक है और आपके पास लैपटॉप वीसीआई यूनिट नहीं है और आपके पास कोई बाइक आ गई, उसके सेंसर की तार हट रही थी, आपने उसको सेंसर की तार को वापिस लगा दिया, लेकिन माल फंक्शन लाइट जो लाइट है उसको आप हटा नहीं पाए और आपने बोल दिया कि भाई आप जाओ एजेंसी में, वहां पर इसको हटा देंगे। वहां पर थोड़ा बहुत चार्ज वो आपसे लेंगे और उस लाइट को हटा देंगे लैपटॉप के द्वारा। लेकिन दोस्तों, यदि हम हर एक कस्टमर को एजेंसी के अंदर भेज देंगे तो हम लोग अपना घर कैसे चलाएंगे, क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? तो उन मैकेनिक भाइयों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि ये जो माल फंक्शन लाइट है आप बिना लैपटॉप बिना वीसीआई यूनिट के, जो मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ उस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप इस लाइट को हटा देंगे। और जब भी आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो भाई, जिसने ये ट्रिक पहले नहीं पता था कभी और पहली बार देख रहा है, तो जब भी आप उस मेरी बताई गई इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, आपको भाई आपका कौशल भाई जरूर याद आएगा। आप आजमा लेना इस चीज को, जरूर आपको मेरा जो चेहरा है वो जरूर याद आएगा कि भाई कौशल भाई ने हमें ट्रिक बताई थी जो आज हमारे काम आ रही है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको मैन्युअली ही बिना लैपटॉप के बिना वीसीआई यूनिट के उस लाइट को हटा के दिखाता हूँ। ये ट्रिक आपको पूरी जिंदगी काम आएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये है बजाज प्लेटिना BS6 है। माल फंक्शन लाइट ऑन है क्योंकि बाइक जो है अभी बंद है। जैसे आप BS6 बाइक को स्टार्ट करते हैं माल फंक्शन लाइट चली जाती है। जैसे इसमें अभी लाल लाइट आ रही है, लेकिन जैसे बाइक स्टार्ट होगी माल फंक्शन लाइट, देखिए लाल रंग की जो लाइट है वो चली गई। तो बाइक स्टार्ट है, देखिए लाइट इसको मैंने स्टार्ट ऑन की है, हाई बीम चल रही है। बाय द वे, जैसे आप चल रहे हैं और ये जो सेंसर की तार है, ये टेम्परेचर सेंसर है, ये हट जाती है, किसी वजह से हट जाती है, टूट जाती है, तो माल फंक्शन लाइट तुरंत इस बाइक के अंदर आ जाएगी। बजाज बाइक का जो इश्यू है वो बड़ा फास्ट है, वो तुरंत ही डिटेक्ट कर लेता है कि कोई ना कोई तार हट चुकी है सेंसर की। तो आप मैकेनिक के पास आते हैं, मैकेनिक जो है उस वायर को जो है, कपलर को जो है, वो वापिस से लगा देता है। और अब आप सोचेंगे भाई जैसे बाइक स्टार्ट होगी शायद ये लाइट चली जाए, लेकिन भाई ऐसा नहीं होने वाला, लाइट इसके अंदर से नहीं जाएगी। या तो आपके पास स्कैनर होना चाहिए या फिर आपको ये जो वीडियो है इससे मदद मिलेगी, कैसे आप मैकेनिक भाई जो हैं या आम नागरिक हैं कैसे इस लाइट को हटाएंगे, सेंसर वाली को, FI लाइट को। तो स्विच ऑफ करना है आपको, एक बार स्विच को ऑन करना है, फिर स्विच को ऑफ करना है, फिर स्विच को ऑन करना है, फिर स्विच ऑफ करेंगे, फिर और ऑन करेंगे। जैसे ही तीसरी बार स्विच ऑन हो बाइक को तुरंत स्टार्ट कर दें। जैसे ही स्टार्ट करेंगे माल फंक्शन लाइट जो है बजाज वाली बाइक के अंदर से चली जाएगी। बजाज पल्सर डिस्कवर वगैरह कोई सी भी हो, सभी में ये ट्रिक काम करेगी। ओके, हो सकता है कुछ मैकेनिक भाई अब ये सोच रहे हो कि भाई जो हीरो की बाइक होती है ना उसके अंदर भी शायद ऐसा ही हो जाए। तो भाई मैं आपको एक चीज़ अलर्ट कर दूं थोड़ा, कि भाई उसके अंदर आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, ट्रायल मत कीजिएगा किसी बाइक के ऊपर कभी। भाई वो बाइक को लेके जो कस्टमर आपके पास आए, आप उसका ट्रायल करें और वो लाइट ना जाए और वो बेचारा फिर एजेंसी में जाए इसके लिए। तो मैं थोड़ा सा आपको इसलिए ट्रायल दिखा रहा हूँ, मैंने जो था ये एक एजेंसी के अंदर मैं गया था, वहाँ पर स्कैनर अवेलेबल था, तो वहाँ पर मैंने जो था इस तरह का ट्रायल किया, लाइट नहीं जा रही थी, तो वहाँ पर मैंने स्कैनर का इस्तेमाल करके लाइट को बार बार हटाया, ट्रायल किया और ये देखा कि भाई कैसे जो हीरो वाली बाइक है बिना स्कैनर के वहाँ पर ये किस तरह से कोई ट्रिक काम करेगी। तो वो मैंने वहाँ पर देखा और उसको ठीक है सीख लिया। अब बारी आपकी है, आपको भी इस ट्रिक को सीखना चाहिए। तो यदि आप हीरो वाली बाइक की ट्रिक सीखना चाहते हैं तो भाई उसके लिए जो है आपको जो है ये अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।